जिस प्रकार से पिछली जो झारखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया रघुवर दास जी थे, उन्होंने जिस प्रकार से झारखंड के हितों का हनन करने का काम किया, चाहे वो सीएनटी एसपीटी एक्ट हो, चाहे यहाँ की स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, और जो यहाँ की जल जंगल जमीन है उसके साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और ठीक लोकसभा के बाद यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे, और उसमें झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया था वो हेमंत सोरेन जी के नाम का जनादेश दिया था। और अब तो ये रुके नहीं, वह एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम इन्होंने किया, अनर्गल आरोप लगाकर बिना सबूत के झूठे आरोपों में। और इसका जवाब हम समझते हैं झारखंड की जनता मन बना लिया है, और वो झारखंड की जनता इन सभी चीजों का जवाब देगी। इनको मुख्यमंत्री, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको वीआरएस देना पड़ा कि उन्होंने इतना कुकर्म किया था भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर। झारखंड की जनता ने विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाया। और अब चूंकि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं वो तो एग्जिस्टिंग, वो स्थिति अभी तो सीटों की है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो 12 सीटें तो हैं ही, लेकिन जिस प्रकार से लगातार जब सरकार बन भी गई, यहां पे इनकी सरकार चली गई, फिर भी ये चुप नहीं बैठे, केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से लगातार। सुधांशु जी यहाँ मौजूद है ना, डॉक्टर साहब, मैं जवाब ले लेती हूँ उनसे, वही बात सुधांशु जी, डॉक्टर जवाब लीजिए, उनसे जवाब लीजिए कि एक आदिवासियों का हनन किस प्रकार किया उन्होंने, क्यों सरना धर्म जवाब ले लेते ना उनसे, सुधांशु जी आदिवासी कार्ड लीजिए, जवाब बिल्कुल लीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, शिबू सोरेन जी जेल कब गए थे? मोदी जी की सरकार में गए थे क्या? जवाब दीजिए। अर्जुन मुंडा आदिवासी मुख्यमंत्री थे और 2005 में जब कांग्रेस के गवर्नर थे, सबके आंदोलन के शपथ नहीं दिलाई थी, जेल से कोई डरता नहीं है। अरे आप तो अरे कांग्रेस के जमाने में जेल गए मेरे भाई, इतना तो याद रखिए, मैंने वही तो याद दिलाया, मोदी सरकार आंदोलन की उपज है, आंदोलन आंदोलनकारी जेल जाने से थोड़ी ना डरता है। निकाला जेल में तो वो पहले सोरेन शिबू बाबू के, हमने तो शिबू बाबू आंदोलन से निकले, उस पे सवाल नहीं उठा रहे, वो प्रश्न पूछ रहे कि जेल कब गए थे जी। उसने कोर्ट में बरी करने का काम किया ना, लेकिन चुनाव नजदीक देकर के आप गुरुजी जो झारखंड की झारखंड के जनक हैं, वो भी जवाब जिनको यहाँ के लोग पूजते हैं, आप उनको फिर से फंसाने का योजना बना रहे हैं, नहीं चलेगा। आपके समय चुप बैठे रहे, अब मानेवर झारखंड झारखंड के जनक, तो झारखंड के जनक तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने बनाया था, झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों एक साथ 1998 में। अब आप यहू झुटला देंगे, कहेंगे हम झारखंड के जनक हैं। और आदिवासी मुख्यमंत्री पे याद दिलाना चाहता हूं, दर्शकों जाकर चेक करिए, 2005 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, स्पष्ट बहुमत था, इन्होंने जिस ढंग से सरकार बर्खास्त की थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट में लिखा है कि इफ द पिटिशनर इज सेइंग करेक्ट, इट सीम्स दैट द गवर्नर हैज कमिटेड अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लिखा है आदिवासी मुख्यमंत्री को रोकने के लिए हुआ था। और आज तो हमारी सरकार ने, मोदी जी ने आने के बाद यह किया, जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 5 जगहों के ऊपर आदिवासियों के लिए म्यूजियम बने हैं, 50 से अधिक आदिवासी योद्धाओं का जिन्होंने योगदान दिया था। बोलिए भाई, अब मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मत बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए, अपने समय का इंतजार करिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। और आदिवासी मंत्रालय किसने बनाया? भाजपा ने, एससी और एसटी। हाँ तो मैं अब एक बात कह दूं, देखिए साहब ये हमसे कह रहे हैं, चलिए एक लाइन में जवाब दे देता हूं। आज हम लोग 2024 से बैठे हैं, अमित जी फिल्मों में एक डायलॉग होता था 20 बरस पहले की बात है जी, मैं कहना चाहता हूं 30 बरस पहले की बात है, 1994, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ साथ थे, जेएमएम ब्राइबरी केस जिसमें साबित हुआ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने रिश्वत लेकर कांग्रेस की सरकार को बचाया, और वही आज भी खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तो ना मोदी जी थे, ना अमित शाह जी का नाम नहीं सुना होगा, भाजपा सत्ता में नहीं थी। तो इनके लिए एक लाइन कह देता हूं, जो पुराना फिल्म का गाना था ना, उसको थोड़ा परिवर्तित करके, कि जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे से कह रहे होंगे कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था जी, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, अब वो भी कोई गाना सुना दें तनुज खत्री, तो ये नंबर देख के कोई गाना याद आ रहा है, क्योंकि आंध्रा तक हम चले गए हैं, वहां पर भी बीजेपी एनडीए को और
टीडीपी को बहुत बढ़त मिल रही है। तो ये ग्रैंड पिक्चर देख के कोई गाना आपको याद आया? ऑन अ लाइटर नोट, आज तो ओपिनियन पोल है, आप ना गलत टाइम पर गाना नहीं गवा सकते ना अमीर, वहाँ कोई कोई गाने के बोल आ नहीं रही है खाते में और आप कह रहे हैं कि गाना गा लें। अरे तनु गाना भी गाएंगे, पता नहीं है गाना भी गाएंगे और सब सुन लीजिए सुन लीजिए, इनको अब इनका काम गाना गाना ही बच जाएगा इस चुनाव के बाद, ये सिर्फ गाने गाने के लिए ही जाने जाएंगे। अरे आप भ्रष्टाचार में अखंड डूबे, आपने बताया ना कि आपने गैर आदिवासी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया, पूरे 5 साल आपको पूर्ण बहुमत मिला था ना, आप तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने सीएनटी एसपीटी एक्ट को क्यों छेड़छाड़ करने का काम किया, आपने भूमि अधिग्रहण बिल को क्यों छेड़, आप हसदेव के जंगल को अपने पूंजीपति मित्रों को लुटा रहे हैं। ठीक है मैं आता हूं आपके पास। रामकृपाल सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं। ये झारखंड की बात चल रही है 2019 के चुनाव में, ये आंध्रा को लेकर आपके कहना चाहते हैं सर? नहीं, पहले तो मैं झारखंड पे एक लाइन बोल दूं जरा। जेएमएम के 34% वोट आए थे, 34% जेएमएम लेकर के आई थी, और इस बार गठबंधन में अन्य पार्टियां भी उनके साथ हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पे आई है, वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आंध्रा पे आ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मैं इनके इस को मैं क्वेश्चन करूंगा उमेश जी को, क्योंकि आपने आप सेफोलॉजिस्ट हैं, कि 34% लास्ट टाइम थे, 50% बीजेपी के थे पिछली बार 2019 में, झारखंड की फिगर दे रहा हूं आपको, इस बार आई इंडिया इकट्ठा है समर्थन में, पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, चीफ मिनिस्टर को दौड़ना पड़ा है, एंड ही इज एंड नो डाउट इट इज अ पॉपुलर पार्टी, तो रिजल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। आंध्र प्रदेश को दौड़ना पड़ा है भ्रष्टाचार के आरोप में। ओके, जवाब जवाब जवाब। एक चीज कह रहा हूं कि जो अभी तक ये हो रहा था जो आप दिखा रहे हैं, अभी तक ये था कि साउथ में बीजेपी कैसे, लेकिन अगर जो ओपिनियन है जो आंध्रा की फिगर आप दिखा रहे हो, वाकई अगर टीडीपी और बीजेपी मिल करके जो फिगर वहां कर रही है, तो इसका मतलब है कि आंध्रा कर्नाटक प्लस पवन कल्याण प्लस, मैं बता दूं आपको, केवल 3 राज्य छोड़ दीजिए, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, इसका मतलब बाकी सारे पूरे देश में बीजेपी कहीं ना कहीं किसी रूप में सीख पा रही है। तो और मैं बता दूं आपको, नहीं ये 3 मैं इसलिए कह रहा था कि तेलंगाना, देखिए कर्नाटक आंध्रा दोनों में आप दिखा रहे हैं बीजेपी को, तो जो ये होता था कि साउथ में कहा जाएगी, इसका मतलब बीजेपी साउथ में झंडे गाड़ रही है। और जो मैं कह रहा था 3 सीट बंगाल में पाई थी, और 3 से अगर 73 बंगाल में जा सकती है जी, तो जो आप कह रहे हैं कर्नाटक का डिबैकल क्यों हो रहा है, कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ रही है। मैंने कांग्रेस के बारे में बात कही थी, कभी ये विशेष थी, फिर शेष हुई, अब अवशेष है। काचेवाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, प्रताप जी है क्या बता प्रताप जी, आपने सुना मतलब कभी शेष थी और अब अवशेष में तब्दील हो जाएगी, वो भी तब जब राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, तब भी कांग्रेस कहीं इस फाइट में क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि आप एक बात मानकर चलिए, राहुल गांधी का जज्बा और जोश पूरा देश देख रहा है, ना राहुल गांधी घबरा रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, और राहुल गांधी जो पूरे देश में यदि भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे, चुनौती देकर मैदान में खड़े हुए हैं। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, तो फिर कांग्रेस के नेताओं में इतनी अच्छी सुगंध खुशबू और सेंट नजर आ रहा है कि उसकी सुगंध से आप रोज तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को, आप ले जाइए, जिसको जाना है वो जाएगा, जो रुकना है वो रुकेगा, क्योंकि दर्द और परेशानी में मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये बात तो आप मानेंगे, चुनौती के साथ पूरे देश में राहुल गांधी खड़े हैं, जो भी महंगाई गरीबी बेरोजगारी से त्रस्त है, जो रोजगार चाहता है, जो असली मुद्दों की बात कर रहा है, जो बीजेपी से ये पूछ रहा है कि आपने पिछले 10 सालों में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। इस देश में राइट टू फूड कांग्रेस ने दिया, राइट टू वर्क कांग्रेस ने दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया। उस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर गालियां देते हैं, आप पूरा सब कुछ बेच देते हैं, चाहे आप रेलवे हो चाहे एयरपोर्ट हो सब कुछ, और सिर्फ आप कांग्रेस को गाली देते हैं। सुगंध वाली बात पर ही आ जाती हूँ सुधांशु जी से, उसी का जवाब ले लेती हूँ। सुधांशु जी, कुल मिलाकर आप बन गए मधुमक्खी और ये प्रताप जी हैं फूल, आप इनका सारा रस चुरा कर ले जा रहे हैं। देखिए प्रताप जी बैठे हैं तो मैं रस की बात नहीं कर रहा, अरे राजस्थान कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे हैं।
आपने भी तो सुनिए, आपने भी तो बीजेपी के व्यक्ति को टिकट दे दिया है राहुल कासवा को राजस्थान में। सर मतलब वो रस तब हुआ करते दोनों तरफ है, आप तो निराश है क्योंकि बीजेपी के साथ है आपके लिहाज से, समझ में आ रहा है? हां सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुनिए प्रताप जी उस राज्य से हैं जहां के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे मैं तो जादूगर हूं, और जादूगर तो कहीं का मुख्यमंत्री नहीं था, मगर उन्होंने साहब ऐसा जादू चलाया जो कांग्रेस के ऐसे सर चढ़ के बोला कि कांग्रेस भारत के इतिहास की पहली पार्टी बनी कि जो नेता उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था, अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे, वो बागी हो गया। ऐसा उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा। और सुनिए आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी बागी खेमे में मान लिए गए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बागी खेमे में मान लिए गए। ऐसा जादू जो कांग्रेस में दिखा था राजस्थान में, मुझे लगता है ठीक है समय समय जादू दिखा जी, किसी पार्टी में। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत रूबिका दोनों चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे इस लोकसभा का, दोनों चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दोनों को हाईकमान ने बोला चुनाव लड़ लो, लेकिन जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लड़ना चाहते। और जहां तक बात हुई कि कांग्रेस ने राइट टू वोट दिलवाया, बिल्कुल राइट टू वोट दिलवाया, 18 साल की उम्र का वोट राजीव गांधी ने दिलवाया, और वही 18 साल के व्यक्ति ने राजीव गांधी की बात में सरकार को पलट दिया